नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीपी टाइपिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारी लैब का विजिट करवाएंगे आपको कि हमारी लैब में काम कैसे होता है, कितने पीसी हैं, कीबोर्ड कौन से हैं, उसके अलावा बच्चे किस टाइम पे कितने बच्चे आ रहे हैं और कौन से एग्ज़ाम के लिए हमारी टाइपिंग चल रही है। अभी देखिए, शुरुआत करते हैं हम हमारी लैब में कितने पीसी हैं। तो लगभग 35 से 40 के बीच में 37-38 पीसी की लैब है, उतनी ही हमने रखी हुई है, ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं। बच्चों का बैच बनाया हुआ है प्रॉपर, जैसे 8 बजे से लेके 12 बजे तक सुबह चलता है, शाम को हम 1 से लेके 6 बजे तक के बीच में बैच रखते हैं। सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के बैच चल रहे हैं। इसके अंदर जैसे हमारी पूरी लैब को मैं एक बार के लिए आपको दिखाऊँ तो ये पूरी की पूरी लैब है। अब देखिए, पहली बात आती है कि हम लैब में कीबोर्ड कौन से यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे भ्रमित रहते हैं कि कीबोर्ड कौन से यूज़ करने हैं। देखिए, मैं पहले भी एक कीबोर्ड पर वीडियो बना चुका था, अब दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कीबोर्ड हम कौन से यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक क्लोज लुक दूँ तो ये डेल का 216 कीबोर्ड है जो हमने पहले पीसी पे हमारे रखा हुआ है। उसके अलावा डेल का कीबोर्ड आगे भी है, उसके बाद में हमने एक लॉजिटेक का कीबोर्ड रखा हुआ है, उसके बाद एक डेल 212 है। इस बात से देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वेराइटीज हैं कीबोर्ड के अंदर। जैसे आपने अभी 4 कीबोर्ड देखे, उसमें 3 प्रकार के कीबोर्ड रहे अपने। अब जब आप बातचीत करते हो कि हमें कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए, आप कोई भी कीबोर्ड प्रेफर कर सकते हो। आप अपने जहाँ भी रखा हुआ है डेल के कर सकते हो, लॉजिटेक, प्रोडोट, TVS, लेनोवा, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन आप उन कीबोर्ड पर अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश रहे कि आपकी एक से ज़्यादा कीबोर्ड रखो, 2 कीबोर्ड रख लिए, 3 रख लिए, तो उससे क्या है कि आप अलग अलग कीबोर्ड पे रहते हो तो आप एक कीबोर्ड फ्रेंडली नहीं होते, पहला काम। दूसरा, जैसे अभी क्या है कि हमने जैसे लर्निंग की है तो लर्निंग में हमें शुरुआत में हम कुछ मैटर रखते हैं, वो आप कहीं से भी देख सकते हैं। जैसे हमने बेसिक्स जो करवाते हैं कि हाँ, शुरुआती टाइम में जब हमने लर्निंग स्टार्ट की तो कौन सी उंगली पे कौन सी की आती है, उसके बाद कौन से वर्ड्स आते हैं, तो वो लर्निंग के साथ साथ काम करवाते रहते हैं, जिसमें हम वर्ड्स लिखवाते हैं बच्चे से। पहले हम लर्निंग करवाते हैं कि कौन सी की पे कौन सी आएगी, ताकि एक बार उंगलियों का सेटअप सही से हो जाए। देखिए, उसके बाद में अलग काम की बात आती है कि सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते रहते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए, मैं 2 से 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर रखता हूँ, जिसमें सोनी भी, स्पीडो भी, सोनमा भी है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए प्रत्येक बच्चा अपने अलग अलग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उनको अलग अलग तरीके से काम करवाया जाता है। जैसे कोई 20 पे है, कोई 30 पे है, कोई 15 पे है, किसी की भी स्टार्ट हुई है, अगर मैंने उन सबको एक काम देना स्टार्ट कर दिया तो फिर उनके प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिस बच्चे को जो दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी जैसे हमने सोनी पे टेस्ट लिया हुआ है, सोनमा पे टेस्ट लिया हुआ है, सुबह सुबह हम टेस्ट शुरू रखते हैं हमारा, उसकी टाइमिंग रखते हैं जैसे 8 बजे से लेके 9 बजे हमारा टेस्ट स्टार्ट होता है। उसके बाद में हमने 11 से 12 के बीच में हमने टेस्ट शुरू किए हुए हैं, 2 से 3 और 5 से 6, हमने 4 टाइमिंग रखी हुई है सूचना सहायक और सिस्टम असिस्टेंट के लिए, हम जिसमें हम एक एक टेस्ट सूचना सहायक के लेते हैं, एक एक टेस्ट सिस्टम असिस्टेंट के लेते हैं। अब जैसे ही एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आएगा या डिक्लेयर होगी टाइपिंग डेट, उसके बाद में हम इनको डबल कर देंगे, जैसे 4 के बजाय हम 8 टेस्ट लेना शुरू कर देंगे दिन के अंदर। अभी हमारे संडे ऑफ रहते हैं, कभी कभी हम हाफ संडे ऑन कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है हम कोशिश करेंगे उसमें भी हम टेस्ट लेना स्टार्ट करें या संडे ऑन रखें। देखिए, और बातचीत आती है कि बच्चों को कहाँ रख के टाइपिंग करनी चाहिए, स्लाइडर पर करे, ऊपर करे, वो अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्लाइडर पर करे, कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऊपर करे, जहाँ भी एडजस्ट हो सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो किसी एक चीज़ के लिए फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि मैं इसी पे प्रैक्टिस करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, मैं दोबारा अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे पास एक और कीबोर्ड है HP का। अब देखिए, ये भी एक फ्लैट कीबोर्ड है, पहले जो मैंने आपको डेल 216 दिखाया था वो भी एक फ्लैट कीबोर्ड था, तो उसमें और इसमें क्या है, थोड़े से चेंजेस है। इसलिए मैं आपको बार बार एक बात रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप कीबोर्ड में वैरायटी रखिए। उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि 25 पे हैं, 30 पे हैं, स्पीड रुकती है, फ्लैक्चुएट होती है, तो थोड़ा सा आपको ये काम करना है कि जहाँ भी आपकी स्पीड रुक रही है उस मैटर को समझिए कि आपकी गलतियाँ क्या कर रहे हैं। वो आप अलग अलग गलतियों के अकॉर्डिंग हम काम कर
करवाते हैं सभी को। अभी हाई कोर्ट के लिए बच्चों की स्पीड जैसे 30, 35, 40, 50 की कोशिश रहेगी जब तक उनका एग्ज़ाम हो। अगर एग्ज़ाम डिले होता है हमारा तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि 50 से 55 तक की स्पीड वो कम से कम गेन करें ताकि 20-20 नंबर तो कम से कम वो लेकर आए। उसमें केवल 5 मिनट का टेस्ट होता है और सूचना सहायक में 15 मिनट का टेस्ट होता है। दोनों के हम टेस्ट लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ चल रही है। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो टाइपिंग में कि हमें ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो आप हमें बताइए कि हमें ये दिक्कत आ रही है, या हमारे पास एक दिन के लिए विजिट कर सकते हैं जिसमें आप कंसर्न करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर बैठें एडमिशन लें, आप एक दिन आइए, डेमो लीजिए, बैठिए, आपको अगर अच्छा लगे सजेशन दीजिए कि हमें ये चीज़ में दिक्कत आ रही है तो आप एडमिशन लें। उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हैं, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। त्रिवेणी चौराहा जयपुर में हमारा ब्रांच है, 40 पीसी के लगभग की लैब है। उसके अलावा हमारी कोई अन्य ब्रांच भी नहीं है, इसी में हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। एक सुबह 8 से 12 के बीच में अगर आप सूटेबल हो सुबह के बैच में, और अगर आप शाम को सूटेबल रहते हो तो 2 बजे से लेकर 7 बजे के टाइमिंग के बीच में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो अधीनस्थ बोर्ड की LDC है उसके लिए भी हमने टाइपिंग स्टार्ट करवा रखी है बच्चों को। तो उसके लिए आप 1 घंटे का एडमिशन या 2 घंटे का एडमिशन लेना चाहो तो आप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के लिए ले सकते हैं। धन्यवाद।